जी, तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के जनरल जनरल ट्रांजेक्शन्स बताई थी। आज के लेक्चर में हम एक ट्रेडिंग बिजनेस का जनरल जनरल सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल नंबर 5। मिस्टर असलम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैश ऑफ 1,20,000 एंड फर्नीचर वर्थ 20,000 रुपीस। एक आदमी है मिस्टर असलम, उसने दो तरह के एसेट्स इन्वेस्ट की एक बिजनेस में। एक कैश इन्वेस्ट किया और दूसरा फर्नीचर इन्वेस्ट किया। तो अगर हम इन ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करें, इस ट्रांजेक्शन में दो चीजें हमारे पास हैं, दो एसेट्स हमारे पास हैं, एक कैश है एक हमारे बिजनेस को कैश मिला, दूसरा हमारे बिजनेस को फर्नीचर मिला, और ये दोनों एसेट्स ओनर ने दिए, तो ये इसका कैपिटल बनाएंगे। अब इसके ऊपर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करें। इनके कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस को मिला, एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया। रूल ये कहता है कि इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सिमिलरली फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट भी हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और कैपिटल, जितना एक ओनर अपने बिजनेस में हिस्सा मिलाएगा उतना उसका शेयर बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास मौजूद है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे फर्नीचर खरीदा। तो हमें क्या मिला, हमारे बिजनेस को क्या मिला, फर्नीचर, और उधार पे खरीदा, पैसे हम बाद में देंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल और फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है, हमने एसेट परचेज किया, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो रूल ये कहता है कि इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सिमिलरली लायबिलिटी, हमने उसको उधार पे खरीदा है, तो बर्डन ऑफ लायबिलिटी हमारे ऊपर इंक्रीज हुआ, अकाउंट्स पेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन की जनरल जनरल एंट्री क्या बनेगी, आप जनरल जनरल में जाओगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेबिट की पोजीशन पे फर्नीचर को लिखोगे, क्रेडिट की पोजीशन पे अकाउंट्स पेबल को लिखोगे, फर्नीचर के आगे डेबिट के कॉलम में 10,000 लिखेंगे, अकाउंट्स पेबल के आगे क्रेडिट के कॉलम में 10,000 लिखेंगे, और नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास है, February 5, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो ये बात हमने सीखी थी जनरल जनरल के स्टार्ट में कि मर्चेंडाइज खरीदने को हम क्या नाम देते हैं, परचेजेस का नाम देते हैं, परचेजेस, और ये हमने कैश पे खरीदी। अब परचेज बाय नेचर हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जितना आप खर्चा करेंगे उतना आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, और आपके पास से कैश चला गया, डिक्रीज इन एसेट हो गया, प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बाय क्रेडिट। तो परचेजेस को आप क्रेडिट करोगे और कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। किसको पढ़ा रहे हैं, अकेले को पढ़ा रहे हैं क्या? आगे चलते हैं, एक और ट्रांजेक्शन हमें किस्त में गिवन है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब हमने मर्चेंडाइज खरीदी, अगेन मर्चेंडाइज आप चाहे कैश पे खरीदो चाहे उधार पे खरीदेंगे, उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, परचेजेस, इसकी नेचर होती है एक्सपेंस, जितना आप मर्चेंडाइज परचेज करेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। हम इसको परचेजेस को यहाँ पे डेबिट करेंगे। सेकेंडली ये हमने उधार पे खरीदा, पैसे अभी हमने नहीं दिए, तो ये हमारे लिए कहलाएगा अकाउंट्स पेबल, बर्डन ऑफ लायबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो रूल ऑफ डेबिट इन क्रेडिट ये कहते हैं कि इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट।
इसी तरीके से एक और ट्रांजेक्शन आपके पास, अब सेल की ट्रांजेक्शन आ गई है, सेल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर कैश। मर्चेंडाइज आपने कैश पे बेची तो आपको क्या मिला, कैश। और मर्चेंडाइज बेचने को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। हमें हमारे कस्टमर ने कैश दिया, कैश हमारा एसेट है, हमारे पास आ गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और हमने मर्चेंडाइज सेल कर दी, मर्चेंडाइज सेल करना ये हमारा रेवेन्यू है। तो जितनी मर्चेंडाइज आप सेल करेंगे उतना रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो आपके जब जनरल जनरल में एंट्री बनाएंगे, आप जनरल जनरल में जाएंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैश के आगे डेबिट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 14,000, और सेल के आगे क्रेडिट के कॉलम पे लिखेंगे 14,000। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। उसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान बेचा, उधार पे जब सामान बेचा तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, कस्टमर ने फिलहाल आपको पैसे नहीं दिए, वो बाद में पैसे देगा आपको। इस तरह के अमाउंट को हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, कस्टमर से लेने वाले पैसे। तो जितना आप उधार पे बेचेंगे लेने वाले पैसे बढ़ेंगे। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और ये आपका रेवेन्यू है, मर्चेंडाइज बेचना हमारा रेवेन्यू है। जितना मर्चेंडाइज बेचोगे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनती है, जनरल जनरल के हिसाब से डेबिट पे आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट पे आएगा सेल। आप जाओगे जनरल जनरल के अंदर पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेबिट की पोजीशन पे लिखोगे अकाउंट्स रिसीवेबल, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखोगे 20,000, और फिर उसके बाद आप क्रेडिट की पोजीशन पे जाओगे और उसके आगे क्रेडिट पे लिखोगे 20,000। नरेशन इसकी आएगी टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन आपको मैंने बता दी। इसके बाद ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह। इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स एबी ट्रेडर्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब एबी ट्रेडर्स का डेटा आपको दिया गया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस हैं। अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन आपको दी गई है जिसमें बता रहे हैं पेड कैश 5,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्सपेंस है, ये आपको पता है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जनरल जनरल के अंदर भी। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन की मद में पैसे दिए, ये हमारा एक्सपेंस हुआ। जितना हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और कैश आपने पे कर दिया, आपका एसेट है चला गया आपके पास से, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हमारी जनरल जनरल के हिसाब से एंट्री क्या बनी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश डिक्रीज क्रेडिट। आप जनरल जनरल में जाओगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेबिट की पोजिशन पे लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और उसके आगे डेबिट के कॉलम में उसको लिख देंगे अमाउंट 5,000। फिर आप जाएंगे क्रेडिट की पोजीशन पे, वहां पे आप लिख दोगे कैश और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 5,000 rupees। नरेशन में आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अच्छा जी, उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसका ताल्लुक भी एक्सपेंसेस से है। ये कह रहे हैं कि On April 5, paid cash 4,000 for advertisement in a local newspaper. Advertisement अपने दुकान की मशहूरी के लिए आपने इश्तहार दिया अखबार में, इसको advertisement कहते हैं। Advertising या advertisement expense आपका बढ़ रहा है,
इसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, या का खर्चा है बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय डेबिट। दूसरी चीज, आपने पेमेंट कर दी, कैश चला गया आपके पास से, रूल ये कहते हैं डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब आप जनरल जनरल में जाओगे, डेबिट साइड की पोजीशन पे लिखोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिख दोगे 4000, क्रेडिट की पोजीशन पे जाएंगे वहां पे लिखेंगे कैश और उसके आगे कैश के कॉलम में लिख देंगे 4000 रुपीज। ये आपकी जनरल जनरल एंट्री बन गई। नरेशन में आप लिखोगे टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन आपकी है जो अप्रैल 14 पेड बाय चेक 6000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस करवाते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए और उस इंश्योरेंस का पे करना हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस। आपका खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस रूल्स के हिसाब से इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट और आपने चेक के जरिए पेमेंट कर दी है, बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। बैंक भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। अब आप किसी को पेमेंट करोगे कैश भी कम हो जाएगा और अगर चेक के जरिए पेमेंट करोगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, ये हमने इसकी एंट्री बना दी। अब आप जनरल जनरल में जाएंगे, डेबिट की पोजिशन पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 6000, फिर क्रेडिट की पोजीशन पे जाएंगे वहां पे कैश लिखेंगे और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम पे लिखेंगे 6000 रुपया और नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट थ्रू चेक या बाय चेक। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास है सवाल के अंदर कि अप्रैल 23 पेड ऑनलाइन टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग रेंट। ठीक है जी, पेड ऑनलाइन टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग रेंट 10000। रेंट हमारा एक्सपेंस है, हम अपने बिजनेस का बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, रेंट हमारा एक्सपेंस हुआ और जितना हम खर्चा करोगे खर्चा बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और आपने ऑनलाइन पेमेंट की, ऑनलाइन क्या मतलब हुआ, ऑनलाइन कैश तो नहीं दिया जाता, ऑनलाइन बैंक के थ्रू पेमेंट होती है। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, बैंक आपका एसेट है, आपने पेमेंट किए, बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, आपकी एंट्री बन गई। करंट एक्सपेंस को डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है। अब आप जाओगे जनरल जनरल के अंदर, डेबिट की पोजीशन पे लिखोगे रेंट एक्सपेंस, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखोगे 10000 और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे बैंक और उसके आगे क्रेडिट की पोजीशन पे लिखे अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 10000। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट ऑनलाइन। तो ये मेरा सवाल था जिसकी हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर भी जनरल जनरल एंट्रीज बनाना सीख ली। उम्मीद है आप उसको पिक कर रहे होंगे जिन्होंने शुरू से अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, बाकी न्यू कमर्स का फैसला करते हैं। अगला सवाल एग्जांपल नंबर 7 में, टू इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस 2,50,000। एक आदमी ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 2,50,000 रुपया। ये सवाल आपको दिया गया है, इसकी आपने जनरल जनरल एंट्री बनानी। तो हमारे बिजनेस को क्या मिला, कैश। किसने दिया, ओनर ने दिया। ओनर जो पैसे देता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब आप देखिए कि आपके बिजनेस के अंदर आपको कैश मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। इसी तरह ओनर का हिस्सा यानी कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ये रूल है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट के, उस रूल के हिसाब से हमने इसकी एंट्री डिसाइड कर ली कि कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है। उसके बाद जब आप जनरल जनरल में जाएंगे, डेबिट की पोजिशन पे लिखेंगे कैश और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट जो क्वेश्चन में आपको गिवन है,
250,000 रुपए कैश के आगे, डेबिट के कॉलम में 2,50,000, कैपिटल के आगे क्रेडिट के कॉलम में 2,50,000, नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर गनी। उसके बाद मई की 3 तारीख डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक। अब आप डिसाइड करें किस चीज का लेन देन हो रहा है। हम अपने बैंक में कैश जमा करवा रहे हैं, बैंक हमारा एसेट है। और जब आप बैंक में पैसे जमा कराओगे बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली कैश हमारे पास एसेट है, चला गया हमारे पास से। डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब आप जनरल जनरल में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे बैंक को लिखेंगे और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 70,000। फिर कैश को लिखेंगे क्रेडिट की पोजीशन पे और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 70,000 रुपीज। अगली ट्रांजेक्शन मई की 5th को वो कह रहे हैं कि भाई परचेज फर्नीचर ऑन कैश। किस चीज का लेन देन हो रहा है, फर्नीचर का लेन देन हो रहा है। फर्नीचर को खरीदा गया है कैश के बदले, फर्नीचर हमारा एसेट है, हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, एसेट जब डिक्रीज होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर को डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 10,000 और कैश को क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे और उसके आगे कैश के कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। उसके बाद लिखा हुआ है मई की 8 तारीख को परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो ये बात हम सीख चुके हैं कि जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, उसको हम परचेजेस कहते हैं और परचेजेस को हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस। मर्चेंडाइज हमने खरीदी, हमारा खर्चा बढ़ गया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इंक्रीज एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। इसके बाद अगली चीज हमारे पास है, हमने ये सामान कैश भी खरीदा है, कैश हमारा एसेट है, जा रहा है हमारे पास से, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। फिर उसके बाद अगली जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास उसमें हमें बताया जा रहा है पेड शॉप रेंट। तो ये हमने सीखा है कि जब भी हम अपने बिजनेस का रेंट पे करेंगे इसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और पेड का मतलब ये हुआ कि हमने उनको कैश पे कर दिया, कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास है, ये सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 40,000 रुपीज। मर्चेंडाइज बेची हैं कैश के ऊपर, हमें क्या मिला, कैश। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, उसको हम डेबिट करेंगे। और मर्चेंडाइज सेल करने को हम कहते हैं सेल्स। मर्चेंडाइज सेल करने का टाइटल ऑफ अकाउंट होता है सेल, और जितनी आप मर्चेंडाइज सेल करेंगे उतना आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो आप जाओगे जनरल जनरल के अंदर डेबिट की पोजीशन पे लिखोगे कैश और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपया। फिर क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे सेल्स और उसके आगे सेल्स के कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज। उसके नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज या सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास है, इस सवाल की आखिरी ट्रांजेक्शन है,
जिसमें कहा जा रहा है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सैलरी अदा कर दी गई। तो ये बात हमने सीखी इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी और जनरल जनरल के अंदर भी कि जब हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होता है सैलरीज एक्सपेंस। जितना आप खर्चा करोगे खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और इसी तरह जब आप कैश पे करोगे एम्प्लॉयज को, कैश आपके पास से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। इस तरीके से हमने जनरल जनरल एंट्री बना दी। हम जनरल जनरल में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 50,000। फिर हम क्रेडिट की पोजीशन पे जाएंगे, वहां पे कैश लिखेंगे और कैश के आगे लिखेंगे क्रेडिट के कॉलम में 50,000 रुपए, नरेशन में लिखेंगे तो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज। इस तरीके से बेटा हमने सवाल सीख लिया जिसमें हमने सिंपल ट्रांजेक्शन की जनरल जनरल एंट्रीज बनाना सीख ली है। एक अनाउंसमेंट और बेटा, जो न्यू स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आए हैं वो इनिशियल लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। ये चैनल, ये जो लेक्चर्स इनिशियल तकरीबन 20 से 25 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 20-25 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने तकरीबन इनिशियल 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन कर रहे हैं शायद उनको समझ में अभी कुछ भी नहीं आएगा इनिशियल लेवल पे, बिकॉज आप लोग इनिशियल अकाउंटिंग मिस कर चुके हैं। इसका तरीकाकार ये है कि अब आप ये लेक्चर जो हमारे ऑनलाइन है ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए। इनिशियल जो लेक्चर्स हैं मेरे, जो स्टूडेंट आज ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अब्बास कॉमर्स एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी ऑनलाइन, या वीडियोस में जाके देखना चाहते हैं तो बेसिक और इनिशियल जो लेक्चर्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है फिजिकली क्लासेस लेना चाहते हैं